हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये मेकअप लुक। और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अनमेरिड गर्ल्स के लिए मेकअप लुक बताइएगा। तो आज की वीडियो स्पेशली अनमेरिड गर्ल्स के लिए है। वैसे तो इस मेकअप लुक को कोई भी कर सकता है, काफ़ी ईजी है इस मेकअप लुक को करना। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और इस मेकअप लुक को आप किसी भी वेडिंग फंक्शन या सगाई वगैरह में आप कर सकते हैं। किसी भी इंडियन वेडिंग फंक्शन सगाई में आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है इस लुक को करना। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि मॉइस्चराइज़र वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ासतौर से विंटर्स में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर, तो इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। और ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर है, इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। और इसका रिव्यू भी गाइज मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं ये हिलेरी रोहूडा के आई शेडो पैलेट से ट्रांजिशन कलर लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड लूँगी, और ये शिमर शेड है ब्लैक कलर का, तो इसे मैं आउटर वी पर इस तरीके से लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी। और मैं इसे आगे की तरफ नहीं लेकर आऊँगी, सिर्फ आउटर वी पर ही प्लेस करूँगी इसे, वहीं पर ब्लेंड करूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं सेम हिलेरी रहूडा के आई शेडो पैलेट से डार्क पिंक कलर का शेड लूँगी और इसे अच्छे से पूरी आईलिड पर लगा लूँगी। और मैंने इनर कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है इस पिंक कलर के शेड को। नेक्स्ट मैं एक बार और ये ब्लैक कलर का शेड लूँगी और इसे आउटर व्यू पर प्लेस कर लूँगी। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर्स में कंसीलर लगा लूँगी। एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से शिमर शेड लूँगी, और ये ऑरेंज कलर का शेड है, और इसे मैं इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लूँगी फिंगर की हेल्प से। इसके बाद मैं सेम पैलेट से ये डार्क पिंक कलर का शेड लूँगी और एक बार और इसे आउटर वी पर इस तरीके से लगा लूँगी और इसे हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। तो अब बढ़ते हैं फेस मेकअप की तरफ, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होगा गाइस, आप उसकी हेल्प से ये मेकअप लुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम प्रोडक्ट्स आप भी यूज़ करें। इसके बाद मैं ये ओवल ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मुझे ये ब्रश काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप एक तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे कॉन्टोरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी होती है इस ब्रश से। और इसका रिव्यू भी गाइस मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। तो अब मैं वापस आई मेकअप की तरफ जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मस्कारा। इसके बाद मैं इस फेस ब्यूटी का जेल आईलाइनर लगाऊंगी। आपको जैसे भी आईलाइनर लगाना आता हो वैसे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने, आप देख सकते हैं ऑफ कैमरा, मैंने अपनी फेक आईलैशेस भी लगा ली थी, और अब मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं ये सेम हिलेरी रूडा के आई शेडो पैलेट से डार्क पिंक कलर का शेड लूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन की काजल। और फेक आई लैशेज गाइज, अगर आपको लगानी आती है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मस्कारा से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये ब्लश।
और अब मैं लगा लूँगी हाइलाइटर। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक। और आपको जौन सा भी शेड पसंद होगा इस वो आप लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक लगाएं तो लिप बाम अच्छे से अप्लाई कर लीजिए अपने लिप्स पर। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और गाइज़ मेरे अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेशियल प्रोडक्ट्स रिव्यू, हेयर डंक वीडियो भी और हैवी ऑयलिंग मसाज, हिना पैक, बहुत सारी वीडियोज़ शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।